ये हमारे प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। दुर्भाग्य है कि आज तक जो राजा होता है वो जनता का जो है ड्रीम पूरा करता है, लेकिन कलयुग है, भगवान शंकर द्वारा बसाई हुई काशी है, महाभारत काल से बनी हुई काशी है, गंगा के पार वह मंदिरों का शहर है। अब रह गया कि सुंदरीकरण का, भगवान शंकर स्वयं सत्यम शिवम सुंदरम है, अब उनको क्या सुंदर बनाया जाएगा और क्यों बनाया जाएगा एक सवाल है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी किसी धर्म गुरु को के विश्वास में लेके नहीं कार्य कर रहे हैं। उनको लोगों ने एक जो है दे दिया है कि आप ऐसे करिए कि साक्षात विश्वनाथ जी से गंगा जी दिखाई दे, भगवान शंकर के मस्तक पे जो है गंगा है, और भगवान शंकर को जो है इसका तो दुष्प्रभाव ये है कि आने वाले दिनों में, अभी तो मान लीजिए लोगों को आप जो है खदेड़ के भगा दे रहे, जो पुश्तैनी चले आ रहे थे, क्योंकि वहीं से जो है हमारे यहाँ पंचकोशी परिक्रमा होती है, वो सारी जो है धर्मशास्त्र के विरुद्ध ये कार्य हो रहा है। अब जब उस पार से कभी गर्मी में आंधी है और जब तूफान चलेगा तो बाबा विश्वनाथ को कितना कुप्रभाव पड़ेगा, इस पर किसी का ध्यान नहीं। लोग क्यों चले जा रहे हैं? डर से, भय से, आतंक से चले जा रहे हैं, और ये दिखाया जा रहा है कि आपको सुंदर काशी और जो है और ऐसी काशी जो है नई काशी बनाई जाएगी। काशी प्राचीन नगर में और काशी प्रयाग मथुरा, ये तीन जो है ऐसे जो है इसकी प्राचीनता को जो है खत्म करना ये धर्म विरुद्ध है, लेकिन अब इसमें क्या हम लोग कर सकते हैं? लोग उस गली से जो उजड़ के चले जा रहे हैं उनके ऊपर क्या बीत रहे, वो कहीं के नहीं रह गए, इसलिए नहीं रह गए कि जैसे एक मकान की कीमत अगर 1 करोड़ है, 5 भाई हैं तो 20-20 लाख रुपया मिलेगा, न वो घर के रहे, उनका व्यवसाय उजड़ गया, उनके पूर्वज वहीं मरे, 3-3, 5-5 पीढ़ी से लोग रहते थे। सब्सक्राइब कीजिए हमारे डायनामाइट न्यूज चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।